अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ईद के लिए कुछ स्पेशल सा जो है मुतंजन। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया था 1.5 कप बासमती राइस, जिसे मैं 90% पका लूँगी, 2-3 लौंग एंड 2-3 इलायची डाल के। यहाँ पर मैंने 3 अलग बाउल में 3 डिफरेंट कलर्स लिए थे, रेड, येलो एंड ग्रीन। उसमें हम 2-2 टेबलस्पून ईच राइस डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके रख देंगे साइड में। बिल्कुल भी जेंटली मिक्स करिएगा, हार्शली नहीं। देन एक पैन में हम ऐड कर लेंगे 1/4 कप घी, 2 ग्रीन इलायची, 3 लौंग एंड देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून ईच जो कि है काजू, बादाम एंड किशमिश। इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1.5 कप ऑफ शुगर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 3/4 कप ऑफ मिल्क। इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून कर्ड एंड जो शुगर है उसे मेल्ट होने तक के हम कुक कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे जो चावल हमने बॉईल करके रखा था, उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी बेस में नीचे मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, एक टाइम में कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। देन हम इस पर प्लेस कर लेंगे जो हमने कलरफुल राइस तैयार किया था। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम तीनों डायरेक्शन में इसमें ऐड कर लेंगे। टूटी फ्रूटी ऊपर से ऐड किया था मैंने एंड 1 टेबलस्पून ऑफ खोया ऐड करके इसे दम पर रख देंगे हम लगभग 15 मिनट के लिए धीमी आँच पे एंड तैयार हो जाएगा हमारा मुतंजन। आप इसे ईद के ओकेशन पे बना सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए एंड ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।